हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली किचन। आज की रेसिपी है चिकन कोरमा। चिकन कोरमा के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनमें शामिल है 750 ग्राम चिकन, वॉश कर लीजिए अच्छी तरह। इसके अलावा 4 मीडियम साइज़ प्याज, आधा कप दही यानी आधा पाव दही ले लीजिएगा। इसके अलावा हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट के अलावा हमें जो मसाले चाहिए उनमें शामिल है नमक हसबे ज़ायका, पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून। इसके अलावा हमें चाहिए काली मिर्चें 6 से 7, लौंगें 6 से 7, बड़ी इलायची और सब्ज इलायची। इसके अलावा 1 से 2 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर। सुर्ख मिर्च पाउडर आप कम भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। और हमें चाहिए केवड़ा एसेंस 2 से 3 ड्रॉप्स, आप सिंपल केवड़ा भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 से 1.5 कप घी, आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। एक पतीली में ऑयल गरम कर लीजिए और जो प्याज मैंने आपको बताई थी उसको फ्राई करना है हमें। इतना फ्राई करना है कि वो लाइट गोल्डन हो जाए, क्योंकि कोरमे की जो प्याज होती है ना उस पर डिपेंड करता है कोरमा। अगर ज़रा सी भी डार्क हो जाएगी तो आपका कोरमे का जो रंग होगा वो सुर्ख नहीं रहेगा, वो ब्लैकिश हो जाएगा और उसका जायका भी जो है वो अच्छा नहीं रहेगा। अनियन जब हमारे फ्राई हो जाएंगे प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसी पतीली में चिकन डालेंगे और फिर चिकन को हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे उसी ऑयल में। फिर उसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि जो चिकन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के चिकन को उसमें पका लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बाकी के मसाले। सारे मसाले ऐड कर लेंगे, फिर चिकन में उसको मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उनको पकने देंगे थोड़ा सा, 2 से 3 मिनट तक उनको थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि वो चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। अब हम इसे कुछ देर के लिए पका लेंगे। फिर इसमें जो मैंने आपको प्याज और दही बताया था उसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो हम ब्लेंडर लेंगे, उसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने फ्राई कर ली थी और दही, और इसको हम करेंगे ब्लेंड। ये देखिए एक पेस्ट बन जाएगा। अब इस पेस्ट को हम अपनी चिकन में ऐड कर देंगे और फिर उसको पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि एक थिक ग्रेवी भी बन जाए और हमारी जो चिकन है वो गल जाए। इसमें हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दही के पानी में ही चिकन गल जाएगी। 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम कवर हटाएंगे। तो देखें अभी हमारा चिकन पक रहा है और इसमें अभी भी थोड़ा पानी है, तो हमें इसको बिल्कुल भून लेना है कि इसका जो एक्स्ट्रा दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और एक दानेदार सा मसाला बन जाए, क्योंकि कोरमा जो होता है वो दानेदार होता है। ये देखिए अब दाना बनना शुरू हो गया है हमारा कोरमे का। हम इसको अभी भी हल्की आंच पे भून रहे हैं, तेज़ आंच पे नहीं भूनिएगा, हल्की आंच पे भूनिएगा। देखें तेल भी ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के और इसको कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे। फ्यू सेकंड्स के लिए इसको हमने ढक के रख दिया। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी कोरमे की। हमारा कोरमा तैयार है, डिश आउट कर लेंगे। ये है क्विक एंड इजी रेसिपी कोरमे की। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत सिंपल होती है, बहुत मज़े की होती है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।